एंड लेटर ऑन अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग विद अब बीपीओ. तो उधर एक थिएटर ग्रुप था जिनसे इंस्पायर होके मैंने भी कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का सोचा. मैंने कुछ पोम्स लिखे, उन पोम्स को धीरे धीरे फिर मैंने सॉन्ग्स में कन्वर्ट किया. तो मेरे ऑफिस में एक बैंड था जिनके साथ में मैं उन्हें रिकॉर्ड करने वाला था. उन्होंने मुझे एक डेढ़ महीने तक लटकाया बट देन अल्टीमेटली दे रिफ्यूज टू यू नो रिकॉर्ड दिस सॉन्ग्स फॉर मी. देन आई फाउंड शिवम खरे और उसके साथ में मैंने अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया. लेकिन यू नो सिंगर के पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली मेरी कंपनी में एक सॉफ्ट लोन मिलता था, इंटरेस्ट फ्री लोन. मैंने 1.5 लाख का लोन लिया और फिर मैंने स्टूडियो चार्जेस और म्यूजिशियंस के चार्जेस पे करे और वोकलिस्ट के पैसे बचाने के लिए मैंने बेसिकली ये सॉन्ग स्टूडियो में रिकॉर्ड किया अपनी आवाज में. व्हेन आई राइट अ सॉन्ग एक्चुअली व्हाट आई फील इज आई डोंट राइट द सॉन्ग. The song is basically given to me. When I try to write lyrics, मैं कभी लिख ही नहीं पाता हूँ. But कई बार ऐसा भी होता है कि you're sleeping and एक song का concept या melody तुम्हारे mind में आती है. To write a song, what I feel is कि अपने mind को बांध के मत रखो, उसे उड़ने दो, जाने दो. जब आप कोशिश करोगे कि मैं एक melody बना लूँ, lyrics लिख लूँ, वो जबरदस्ती नहीं हो सकता. एज अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन और पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन वट एवर दे आर डूइंग, लाइक अगर कोई एक्टिंग की फील्ड में या म्यूजिक की फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, जो भी है, माई एडवाइस टू देम इज कि भाई लगे रहो, अपना इंटरेस्ट मत छोड़ देना, फॉलो करना. Actually, when I heard the name See You in Hell, I was like, wow, ये इंडिया में कौन बना रहा है इस टाइटल पे मूवी. Then I heard the concept. I liked it so much that I feel you know, very much encouraged to work on it. And I'm really happy to be a part of the puppets picture. And I'm working on the music and songs for the film right now. गो क्या चल भैया? ठीक है. धीरे धीरे चलना. ओ यार क्या शॉट आ रहा था यार. ओ भाई मेरे को बता दियो कितना पीछे जा रहा है, पता चला मैं उधर गिर गया. धीरे चलना, धीरे चलना हो गया. तूने बोला यहीं तक करेगा तू. डूड लाइक वन मोर टाइम. ओके हाय, आई एम आशीष कौशिक एंड आई एम वर्किंग विद पपेट्स पिक्चर. एक सेकेंड जॉब कुत्ते. हाय आई एम आशीष कौशिक. बंद कर रहा है ठीक से नहीं बोलता. क्या था? आशीष कौशिक. आई एम वर्किंग एज अ म्यूजिशियन इन द फिल्म सी यू इन हेल विद पपेट्स पिक्चर. ओके बोल तो दिया.